बूमो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्थर, आप देख रहे हैं क्रिकेट गुरु जी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हाउ टू हिट सिक्स ऑन एवरी बॉल। लेट्स गो। मैंने मेरी पुरानी वीडियो में भी आपको एक बोला था, हाउ टू इम्प्रूव फोकस ऑन बॉल। वो वाली वीडियो में आपको मैंने बोला था कि जब तक आपका बॉल के ऊपर फोकस नहीं होगा, तब तक आप सिक्स या फोर कुछ नहीं मार पाओगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक पे, वहाँ पे जाके वो देखिए, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। सिक्स मारने के लिए आपको पाँच या छः पॉइंट्स होते हैं, वो आपको आपके बैटिंग करते वक्त आपको आपके दिमाग में याद रखना है। ये पाँच छः पॉइंट्स आप सिक्स बहुत ही ईजीली मार सकते हो। और सबसे पहले पॉइंट पर बढ़ते हैं, वो है फील्ड पोजीशन। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपके बैटिंग होती है, स्ट्राइक भी होते हो, आप तब अगर बॉलर पहली पावर प्ले होती है तो वो ऑब्वियसली एक फाइन लेग पे रखता है, डीप फाइन लेग पे और एक लॉन्ग ऑफ पे। ये फील्ड पोजीशन जो हर एक ओवर में बॉलर यूज़ करता है वो आपको समझना होता है, क्योंकि जो बॉलर होता है वो उसकी फील्ड के हिसाब से बॉलिंग करता है, ना ही जहाँ उसको पसंद आए वहाँ से। आपको एक ओवर में अगर उसने फील्ड सेट किए तो उस एक ओवर में आपको ये एक बॉल मिलता है कि जब वो बॉलर कोई अलग वेरिएशन या फिर कोई गलती करे, आपको वो गलती को देखना है और उसके वो बॉल पे आप सिक्स मार सकते हो। एंड ऑल्सो गाइज, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, वो सिर्फ टेनिस बॉल के लिए, लेदर बॉल के लिए नहीं है। जो भी लोग आप लोग देख रहे हो, वो सब ने एक बार टेनिस बॉल से क्रिकेट तो ज़रूर खेला होगा। और टेनिस बॉल आप लोग को मालूम होता है कि लाइट वेट होता है एंड ऑल्सो बाउंसी होता है। उस पर सिक्स मारना ईजी भी है एंड डिफ़िकल्ट भी। सिक्स मारने के लिए हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पे, जिसका नाम है मिडलिंग। मिडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सिक्स मारने के लिए हर एक बॉल पे, क्योंकि जब तक आपके बैट का मिडल नहीं लगेगा तब तक आपकी सिक्स जा ही नहीं सकती। अगर बैट के बॉटम पे लगता है तो सिक्स जाने के चांसेस कम है, अगर बैट के स्टिकर पे लगता है तो भी सिक्स जाने के चांसेस कम है, बट अगर बैट के मिडल पे बॉल लगता है तो आपके सिक्स जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि बॉल को अगर आप खेल रहे हो तो आपको बैट से मिडल ही जाना चाहिए। प्रैक्टिस करते वक्त फोर जाएगी चलेगा, लेकिन मिडलिंग हो तब तक सबसे बेस्ट है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, उसका नाम है टाइमिंग। टाइमिंग आप सबको पता होगा, प्रोफेशनल क्रिकेट में और गली क्रिकेट में टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइमिंग, जब तक आप टाइमिंग से नहीं खेलोगे तब तक आपकी फोर भी नहीं जा सकती, सिक्स भी नहीं जा सकती, आप बॉल मिस कर सकते हो या फिर आउट हो सकते हो। टाइमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बॉल जब तक आपके पास आता है तब तक आपको रिएक्शन नहीं लेना है। जब आपके पास बॉल आता है, मतलब जब एकदम बहुत करीब होता है बॉल, तब आपको रिएक्शन लेना है शॉट के लिए। वरना अगर आप बॉल जैसे बॉलर आर्म से थ्रो करता है वैसे आप शॉट खेलोगे तो आप बॉल मिस कर सकते हो। जब तक बॉल टर्फ पे पिच होती है उसके बाद आपको रिएक्शन लेना है। ये एक बेसिक काइंड ऑफ रूल है जिससे आप क्रिकेट में शॉट खेल सकते हो। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, वो है गैप। क्रिकेट में आप लोग ने देखा होगा कि फील्डर के बीच में गैप होती है। अगर आप 110% श्योर हो कि आप फील्डर के ऊपर से सिक्स मार सकते हो तो ही आप सिक्स मारिए या फिर ट्राई कीजिए। वरना अगर आप 99% भी श्योर होते हो फिर भी आपको सिक्स के लिए नहीं जाना है, क्योंकि वो 1% बहुत ही महंगा रह सकता है आपके लिए अगर वो शॉट नहीं लगा तो। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि आप गैप में ज़्यादा मारोगे तो आपको बाउंड्रीज या सिक्स मारने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जब भी आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको गैप में मारना ज़्यादा इक्विवेलेंट लगना चाहिए कि गैप में ज़्यादा मारो या फिर फील्डर के ऊपर से। ये था चौथा पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, वो है पावर। पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपेयर टू मिडलिंग एंड टाइमिंग, क्योंकि आपके अगर आर्म्स में मसल्स में पावर बहुत होगी तो आप बॉल को जितना भी दूर मारना चाहते हो मार सकते हो। इसका एक एग्जांपल ये भी है कि एंड्रयू रसेल ने आईपीएल में फाइनल ओवर में जो हिटिंग की थी वो बहुत ही तगड़ी हिटिंग थी, क्योंकि उसके सारे बॉल मिडल पे नहीं लग रहे थे, मोस्टली बॉल मिडल पे नहीं लग रहे थे, बॉटम लग रहे थे या फिर स्टिकर पे लग रहे थे, बट एंड्रयू रसेल के पास जो पावर थी उससे वो बॉल बाउंड्री के बाहर बहुत ही आसानी से मार रहे थे। पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप क्रिकेट खेलते हो कंपेयर विथ टाइमिंग एंड मिड।
सो सिक्स पोजीशन पे चलते हैं, वो है ग्रिप। तो बैट में आपकी जो ग्रिप होती है वो आपने देखा होगा कि आप जो बैट यूज़ करते हो वो आपका यहाँ से वी शेप में नीचे आ रहा हो, क्योंकि वी शेप में होगा तो बैट में ग्रिप बहुत ही अच्छी मिलती है और इससे शॉट बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन इसमें एक और एक चीज़ है जो आप लोग भूल रहे हो कि आप जो बैट यूज़ करते हो, जो आपका बॉटम हैंड होता है वो बैट से बहुत टाइट पकड़ के रखना है एंड कंपेयर टू दिस लेफ्ट हैंड, या फिर जो आपका हैड हैंड हाथ है वो जो बैट के नज़दीक है, तो ये वाला हाथ जो होता है बैट के नज़दीक वो आपको थोड़ा ढीला रखना है, और जो नीचे वाला हाथ होता है जो बैट के बॉटम में होता है वो आपको टाइट रखना है, क्योंकि जो सारी पावर्स होती है बैट को स्विंग करने में और ज़ोर से घुमाने में, उसको बॉटम हैंड होता है वो उसको पावर देती है कंपेयर टू द दूसरा हैंड। सो आपका जो बॉटम हैंड होता है उसको आपको टाइट रखना है। सो सेवेंथ पे चलते हैं, उसका नाम है बैट स्विंग। तो बैट स्विंग आपको इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, लेकिन ये बहुत कम कम पायदान में आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपका जो बैट स्विंग होता है वो छोटा नहीं होना चाहिए। जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आपका बैट स्विंग, अगर आपको सिक्स मारनी हो तो आपका बैट बहुत ऊपर तक जाना चाहिए और वहाँ ऊपर से नीचे से लाना होता है, क्योंकि अगर आप ऊपर से नीचे लाओगे तो आपका पावर जो होती है बैट में वो ऊपर से नीचे आते वक्त बहुत ही ज़्यादा फोर्स में आती है, और अगर वो बैट के मिडिल पे लगती है तो सिक्स जाने के चांसेस 110% है। सो सिक्स मारने के लिए आपका बैट होता है उसका जो स्विंग होता है वो ऊपर से नीचे आना चाहिए, नहीं कि यहाँ से नीचे से आप ऊपर मारो। सो आप ये याद में रखना कि आप जो बैट स्विंग करते हो वो ऊपर से नीचे तक आना चाहिए, सो उससे बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। और ये सात पॉइंट्स है जिससे आप हर बॉल पे सिक्स मार सकते हो, अगर आप प्रैक्टिस करते हो सातों सात एक साथ तो आप 110% आप सिक्स मार सकते हो, क्योंकि ये सात पॉइंट्स से इसके कोई लिमिटेशंस नहीं है अगर आप ये सात पॉइंट्स परफेक्टली एग्जीक्यूट करते हो तो। सो ये था एक छोटा सा वीडियो ऑन हाउ टू हिट सिक्स ऑन एवरी बॉल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू सून। सो वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और एट पॉइंट है वो आपको बोलना चाहता हूँ कि आप ये मैंने जो वीडियो में जितने भी आपको टिप्स दिए वो सब टेनिस बॉल के लिए, सो ऑब्वियसली टेनिस बॉल से आप लोग खेल रहे होगे, सो इसमें स्टैंस इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कंपेयर टू ग्रिप एंड वो सब। सो आपको इसमें स्टैंस के इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप स्टैंस कोई भी ले सकते हो, प्रोफेशनल क्रिकेट का ले सकते हो या फिर गली क्रिकेट का, लेकिन आपकी ग्रिप मिडलिंग और पावर ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्स मारने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू सून। एंड येस ऑल्सो मेरी एक गेमिंग चैनल है जिसका नाम है SSCrew eSports, तो वहाँ पे जाके आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे गेमिंग कंटेंट फ्री फायर रिलेटेड, पबजी रिलेटेड एंड कॉल ऑफ ड्यूटी रिलेटेड आपको मिल जाएगी। एंड वहाँ पे एक बहुत अच्छी टूर्नामेंट चल रही है जो हमारा डिस्कॉर्ड है, वहाँ पे फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी की टूर्नामेंट्स चलने वाली है। सो वहाँ पे जाके रजिस्टर कीजिए अपने आपको और खेलिए एंड बी अ पार्ट ऑफ SSCrew eSports टीम। एंड टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू सून।